नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं खबर जोरदार राजस्थान। चलिए रुक करते आज की खबर की ओर। आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए रुक करते हैं अब अपनी खबर की ओर। नया साल शुरू होने में अब आधा माह करीबन रह गया है। हर किसी के मन में इस बात को लेकर उत्साह है, साल 2022 उनके लिए क्या नया लेकर आने वाला है। नए साल में ग्रहों और नक्षत्रों की चाल भी बदलेगी। ऐसे में उनके जीवन से जुड़ी धन संबंधी समस्याएं दूर होगी या नहीं, फिर उनके जीवन में क्या नए बदलाव आएंगे। नव वर्ष 2022 के आगमन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। बीते साल तमाम तरह की परेशानियां झेलने वाले लोगों को उम्मीद है कि आने वाला साल शुभ होगा। वही जो पिछले साल भी सफलता के शिखर पर रहे, वे चाहते हैं कि उसी तरह आने वाले साल में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे। हालांकि ज्योतिष के अनुसार आने वाला साल 2022 सभी 12 राशियों के जीवन में बेहद खास और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा, जिसका प्रभाव जातकों के जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में जरूर पड़ेगा। यहाँ देखें सभी 12 राशियों के लिए आर्थिक दृष्टि से नया साल कैसे रहेगा। अब शुरू करते हैं सबसे प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। मेष यानी कि एरिस। इस पूरे वर्ष में मेष राशि के जातकों के जीवन में वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। हालांकि महत्वपूर्ण खर्चे होने की संभावना है, लेकिन खरीदारी वास्तव में मूल्यवान होगी। साथ ही अप्रैल के महीने में अप्रत्याशित लाभ की संभावना है। अगर समझदारी से निवेश किया जाए तो पैसा आसानी से और समझदारी से आएगा। हालांकि 2022 में मेष राशि वालों को बहुत सारे अनावश्यक खर्चों से, जैसे मनोरंजन, मौज मस्ती, यात्रा और बेकार की खरीदारी और उपहार आदि का खर्च करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए नया साल वित्त के अनुसार संतोषजनक रहने वाला है। इस वर्ष बहुत सारे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सामाजिक प्रतिबद्धताओं या किसी शुभ समारोह के उत्सव पर खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन समय के साथ आप अपने भाग्य और धन की अच्छी वृद्धि देखने में कामयाब रहेंगे। 2022 के मध्य की अवधि लंबी अवधि के निवेश और आपकी वित्तीय योजनाओं को साकार करने के लिए अच्छी साबित होगी। सितंबर के मध्य तक आप एक महत्वपूर्ण योजना और नई सोच के साथ अपनी वित्तीय स्थिति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल हो सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी। आर्थिक पक्ष के लिहाज से मिथुन राशि के जातकों को नया साल 2022 वांछित परिणाम प्रदान करेगा। आपके व्यवसाय भाव का स्वामी बृहस्पति वर्ष 2022 में आपके करियर भाव में गोचर करने वाला है। परिणाम स्वरूप इस वर्ष आपको अपने करियर से निश्चित रूप से लाभ होगा। बृहस्पति आपके वित्त को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, लेकिन अष्टम भाव में शनि के कारण आपको थोड़ा प्रयास करने की सलाह दी जाती है। अक्टूबर और नवंबर के दौरान अप्रत्याशित रूप से आपको अपनी पिछली नौकरी से जो पैसा नहीं मिला है वह आपको मिलेगा। कर्क यानी कि कैंसर। कर्क राशि के जातकों के लिए नया साल आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ होने वाला है। 11वें भाव में राहु की उपस्थिति का मतलब है कि आपके पास अपनी मनचाही बचत अवश्य होगी। इस साल आपको अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अच्छी तरह से काम करना चाहिए। कर्क राशि के जातक शुभ पारिवारिक आयोजन पर खर्च करेंगे और यह किसी बड़े निवेश को करने के लिए यह समय अनुकूल भी है। सिंह लियो। यह साल आर्थिक पक्ष के लिहाज से बेहद ही शुभ रहने वाला है। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति बेहद ही शानदार रहने वाली है। पेशेवर रूप से अचानक उन्नति होने से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। 6 अप्रैल के बाद की समयावधि बेहद ही शुभ रहने वाली है और यह इंगित करता है कि आप इस अवधि के दौरान पेशेवर रूप से दोस्तों या जीवन साथी या पेशेवर भागीदारी के माध्यम से धन अर्जित करने में भी कामयाब रहने वाले हैं। कन्या राशि। वर्ष 2022 में कन्या राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष बेहतर रहने वाला है। यह वर्ष आपको कई तरह से आर्थिक विकास प्रदान करने में सहायक साबित हो सकता है। आर्थिक मामलों में आपको अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों से मदद मिल सकती है। इस दौरान आपका खर्च भी कम होने की संभावना है और आपके लिए आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। इस साल आप किसी महंगी वस्तु के साथ कोई संपत्ति भी खरीद सकते हैं। हालांकि पैसों के लेन देन करते समय सावधान रहे। तुला राशि यानी कि लिब्रा। तुला राशि के जातकों को आर्थिक पक्ष के लिहाज से
साल 2022 में स्थिरता हासिल हो सकती है। फिर भी आपको अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, खासकर वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान। वर्ष की दूसरी छमाही में आके खर्चे अधिक होने वाले हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा और अधिक बचत करने पर ध्यान देना होगा। जनवरी से अप्रैल तक धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। इस साल आपके लिए आय का कोई नया स्रोत नहीं आने वाला है। कुल मिलाकर इस वर्ष आपको अपने खर्चों पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नया साल आय और व्यय दोनों से भरा रहेगा। ऐसा भी मुमकिन है कि आप इस वर्ष बहुत अधिक धन की बचत करने में सक्षम ना हो पाए। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर भी आपको खर्चा करना पड़ सकता है। इस साल पिछले कर्ज को चुकाने का प्रयास करें। आपके लिए आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और इस वर्ष संपत्ति खरीदने की संभावना भी कम है। पहली छह माह के दौरान किसी भी बड़े निवेश से बचें। यह अवधि आपको बृहस्पति की स्थिति के कारण धन प्राप्त करने में मदद करती रहेगी और किसी शुभ घटना के कारण परिवार में कुछ खर्च होने की भी प्रबल संभावना है और बृहस्पति के चौथे घर में होने से चल और अचल संपत्ति प्राप्त करने की संभावना है। धनु। धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से नया साल मिश्रित परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। शनि के आपको दूसरे भाव में स्थित रहने की वजह से आप इस वर्ष धन अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है क्योंकि आप धन संचय करने और आभूषण व रत्नों में पैसे निवेश करते नजर आ सकते हैं। इस वर्ष आपको प्रत्यक्ष संपत्ति से लाभ मिल सकता है, साथ ही किसी पारिवारिक समारोह में आपको ढेर सारा धन भी खर्च करना पड़ सकता है। मकर। मकर राशि के जातक 2022 में स्वयं को आर्थिक तौर पर सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हालांकि इस वर्ष आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन आय में भी निरंतर रहने की संभावना है, जिससे आय व्यय के बीच संतुलन बना रह सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस वर्ष आप पैसों को फिजूल की चीजों में खर्च करने के बदले इसको निवेश करें। ऐसा करना आपको ज्यादा फायदा दे सकता है। इस वर्ष की शुरुआत में आप नए आय के स्रोत ढूंढने में सफल रह सकते हैं, साथ ही आप इस दौरान कहीं महंगी वस्तु को खरीद सकते हैं या फिर उन चीजों में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि संपत्ति, जमीन, वाहन इत्यादि। कुंभ यानी कि एक्वेरियस। कुंभ राशि के जातकों का आर्थिक जीवन साल 2022 में अच्छा रहने की संभावना है। इस साल आपकी आय तो अच्छी होगी, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, जिससे स्थिति सामान्य रह सकती है। यही वजह है कि साल 2022 में आप अपनी उम्मीद के अनुसार धन संचय करने में असफल रह सकते हैं। हालांकि इसके बाद भी इस वर्ष आप कुछ आभूषण और रत्नों की खरीदारी जरूर कर सकते हैं। इस साल सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों पर आपको अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। सबसे अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से साल 2022 अच्छा रहने की संभावना है। साल के मध्य में आपको अपनी आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इस अवधि में आपकी आय तो बढ़ने की संभावना है ही, लेकिन इस दौरान आप पर कर का बोझ भी बढ़ सकता है। इस अवधि में आपको निवेश की योजनाएं आपको फायदा दे सकती है। यदि निवेश से जुड़ा कोई कानूनी मामला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। साल 2022 के दूसरे छह माह में आपको सफलता मिल सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने की संभावना है। तो इसी के साथ 2022 नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।